अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अजमेर में महंगाई शिविर कैंप का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम गहलोत ने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर पहुंचे गहलोत ने विजय लक्ष्मी पार्क में लाभार्थियों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव का भी जिक्र किया। सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का और मैं सोच समझ के जो बजट पेश किए थे उसका परिणाम है कि आज सब जगह कैंप लग रहे हैं। महंगाई बहुत भयंकर है, कमर तोड़ महंगाई है, ज्यादा महिला समझ सकती है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, चार मुद्दे थे। एक तो था महंगाई, एक तो बेरोजगारी, जो नौजवान है उन नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम जो है किस प्रकार अधिक से अधिक नौकरियां दे रहे, मुझे कहते खुशी है कि अभी करीब 1.25 लाख 1.5 लाख की भी नौकरी लग चुकी है। 1 लाख 1.25 लाख की प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, साथ में एग्जाम हो रहे हैं और 1 लाख की मैंने और घोषणा करी है। तो कहने का मतलब ये है प्रयास करें किस प्रकार से राजस्थान में, क्योंकि युवाओं का जो है बेरोजगार रहना भी उचित नहीं है। नई पीढ़ी में आक्रोश पैदा नहीं होना चाहिए, सब लोग प्यार से मोहब्बत से भाईचारे रहो। चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये खाई बढ़ती जा रही है। इस कारण से आज महंगाई रात भी नौबत आई है। अगर गरीब आज भी ऊपर उठ जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो प्रयास हमारा ये है, शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य के अंदर भी है, तमाम इसी में मेरी बजट में आई थी, उसी आधार पर आई थी जो चार मुद्दे थे। अब आप देखिएगा जो हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर,